गाइस कैसे हो सब लोग, आज हम वापस के लिए जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो अगर आपको याद होगा, हम लोग ने अपनी प्यारी सी माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड बनाई थी। पिछली बार हम लोगों ने क्या कहते हैं थोड़ा बहुत अपडेट किया था और हम लोगों ने अपना कैसल बनाने का ट्राई किया था और आपको बहुत चेंज लग रहा होगा। तो मैं आपको धीमे धीमे बताता हूँ मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। आज हम लोग अपना कैसल पूरा कंप्लीट करने वाले हैं यार। तो मैंने बहुत सारे चेंजेस किए अपने माइनक्राफ्ट में। देखो मैं आपको धीमे धीमे बताता हूँ। मैंने अपने बैम्बूज को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है बहुत सारे, और यहाँ पे थोड़ा गड्ढा हुआ करता था मैंने उसको भी फिल कर दिया है, और यहाँ पे जो कॉपर स्टोन्स लगे हुए थे मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक स्टोन से कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और यहाँ पे एक मैं वो बनाना चाहता हूँ थोड़ी नदी टाइप का, तो उसके लिए मैं थोड़ा गड्ढे यहाँ पे खोल रहा था। यहाँ पे मैंने शुगर केन फार्म बनाया है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेड़ लगा दिए हैं, और वहाँ पे देखो नीचे भी मैंने बहुत बड़ी फार्मिंग की है। अपना ज़्यादा फार्म थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा शुगर केन फार्म है, बस ज़्यादा कुछ गाइस मैंने नहीं किया है और बस यही है। और मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग भी की है। और गाइस एक और चीज़ बताता हूँ, मुझे माइनिंग करते करते कितने सारे ब्लॉक्स मिला है, कितने सारे ओर्स मिला है, और गाइस मेरे को डायमंड मिला है। ओके वेरी गुड, एक डायमंड मिला है, दिखा दो कितना डायमंड मिला है। अभी वो नीचे ही है, मैंने उसको तोड़ा नहीं है, अभी से रात भी हो चुकी है, सो लेते हैं और अपना आर्मर भी अब कर लेते हैं। ओके गाइस गुड मॉर्निंग। तो वापस से माइनक्राफ्ट का सुहाना दिन स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है कि हाँ गाइस मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या क्या चीजें मिली है। यहाँ चल के मैंने नीचे बहुत ज्यादा माइनिंग की। ये देखो गाइस इतने सारी ब्लैक वाले स्टोन मिले मेरे को, अब कमी बिल्कुल शायद पड़ने नहीं वाली है। और थोड़े रेस्ट स्टोन डस्ट भी मिले, लैपिस लाजुली आयरन भी मिल चुका है। मैंने थोड़ा आयरन स्मेल्ट करने के लिए भी लगाया था, थोड़ा सा और आयरन स्मेल्ट करने के लिए लगा देते हैं। और गाइस नीचे चलते हैं, नीचे चलकर दिखाता हूँ मुझे क्या क्या मिला है। एक पिकैक्स बना लेते हैं, अच्छा रहने दो, एक इतनी पिकैक्स चलेगी। अरे गाइस चले बना लेते हैं एक पिकैक्स और थोड़े बहुत टॉर्चेस बना लेते हैं, क्या पता कुछ काम आ जाए नीचे। और दो तीन टॉर्चेस के लिए कोल भी ले लेता हूँ मैं, और मेरे को स्टिक्स चाहिए। अब गाइस देखो वुड की कमी नहीं होने वाली है। अब क्योंकि विलेजर से मैं वुड नहीं चोरी करूंगा, मैंने भी अपनी वुड की खेती करने स्टार्ट कर दी है, तो मुझे अब वुड की कभी कमी पड़ने नहीं वाली है। तो अब सही है, विलेजर्स का कितना हम लोग चुराते रहेंगे, बेचारे वो लोग भी एक बार कंकाल ही हो जाएंगे। चलो वो सब छोड़ो, फटाफट से हम लोग अपनी एक आयरन पिकैक्स और थोड़े टॉर्चेस बनाते हैं। एक आयरन पिकैक्स और कुछ टॉर्चेस, बस इतना सही है। अब खाना भी मेरे पास नहीं है, तो मैं खाने के लिए थोड़ी ये निकाल लेता हूँ ब्रेड, बेसिकली मैं ब्रेड बना लेता हूँ। अब भाई ब्रेड तो बहुत सारी हो गई है मेरे पास, और थोड़ा भाई प्रो हो चुका हूँ, मुझे थोड़ी बहुत सेटिंग्स याद आ गई हैं जब मैं पहले खेलता था। तो चलो अब डायरेक्ट नीचे चलते हैं। देखो गाइस यहाँ से मैंने अपनी माइनिंग बहुत ज़्यादा गहरी कर दी है। आपको याद होगा पिछली बार यहाँ पर भी एक और दूसरा कुछ आ गया था, यहाँ पे केव खुली थी और यहाँ पर भी एक केव खुली थी, तो मैंने वहाँ से आके यहाँ पे आके यहाँ से जाऊँगा। भाई देखो कितना गहरा मैंने खोदा है। अभी ब्लैक स्टोन्स देखो गाइस यहाँ से आना स्टार्ट हो गई, ये देखो यहाँ से ब्लैक स्टोन्स आना स्टार्ट हुआ है, और मैंने यहीं से ब्लैक स्टोन्स की माइनिंग की है, और यहीं से मेरे को सारे रिसोर्सेस अच्छे अच्छे मिलना स्टार्ट होते हैं, जैसे रेड स्टोन्स, लैपिस लाजुली, गोल्ड मेरे को अभी मिला नहीं है। ओके तो एक डायमंड का ओर नीचे पड़ा हुआ था, उसको भी माइन करके एक एडवांसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं डायमंड की। ये देखो गाइस यही वो केव है जो पिछली बार हम लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर शायद तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं था, तब तक यहाँ पे टॉर्च लगा देते, देखो वहाँ पे आयरन का ओर पड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ओके वो देखो ऊपर एक थोड़ा वो पड़े हुआ है रेड स्टोन, इनको भी माइन कर लेते हैं, कभी तो काम आएंगे हमारे। थोड़े ब्लॉक्स और कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। 31 मिले गाइस, अच्छा है अच्छा है। यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर मैंने चल के अभी तक नहीं देखा यहाँ पर क्या है। के यहाँ पे दिशा पे यहाँ पे डायमंड के ओर्स हो सकते हैं आसपास, मेरे दोस्त ऐसा बताते हैं कि इसके आसपास डायमंड ओर्स होते हैं। एक आई वो डायमंड मिला था, वो देखो ये है वो प्यारा डायमंड, कितना अच्छा लग रहा है ना। इसको माइन कर लेते हैं और एक डायमंड की एडवांसमेंट गाइस कम्प्लीट। तो गाइस मैं अभी जैसे नीचे से देख के आया हूँ कि अभी और भी ज़्यादा माइन है, मतलब माइन और भी ज़्यादा कंटिन्यू हो रही है। तो उसके लिए मेरे पास अभी टॉर्चेस नहीं है, तो मैं ऊपर से टॉर्चेस लेके आता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मेरी टॉर्चेस भी ख़त्म हो चुकी है, अभी थोड़ा सा बीच में वीडियो का पार्ट स्किप हो गया था क्योंकि मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी उसमें ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था, बस मैं माइन एक्सप्लोर कर रहा था। तो मुझे बस थोड़ी बहुत टॉर्चेस चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं फटाफट से ऊपर से कोल लेके आता हूँ। यार बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है ऊपर जाने की मेरे। तो गाइस मैं वापस से नीचे आ चुका हूँ और मेरे को वही उसी केव में जाना था। और मैं ओके यहाँ पर थोड़ा गोल्ड है, इसको भी थोड़ा गोल्ड को माइन कर लेते हैं, क्योंकि नेदर में जाके हम लोग को गोल्ड की बहुत ज़्यादा
जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गोल्ड है। पता नहीं गाइस मुझे माइनिंग कहाँ से कंटिन्यू करनी थी। हाँ गाइस मेरे को रास्ता मिल गया और मुझे क्रीपर भी मिल गए। ओके क्रीपर भाई, नहीं नहीं अरे फटा 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 मूड खराब कर देता भाई ये। आ तू भी आ जा। ओके मेरे क्रिटिकल शॉट्स का थोड़े अच्छे हो रहे हैं। अबे गाइस यार रहन दो, हम लोग ज्यादा माइनिंग नहीं करते हैं, हम लोग अपना कैसल भी बनाना है। फालतू में हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता था मेरे घर के नीचे इतनी खतरनाक भूलैया होने वाली है। फटाफट से चलते हैं अपनी टॉर्चेस को फॉलो करते करते। कहाँ पे आना था, हाँ यहाँ पे थोड़ा गोल्ड भी है, ये भी थोड़ा ले लेते हैं। चलो गाइस फटाफट से ऊपर चलते हैं और अपना कैसल का वर्क कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये सामान भी गाइस हम लोग यहीं पर रख देते हैं। और ऊपर रात हो रखी है, कोई स्वागत करेगा हमारा कि नहीं, किसी ने गाइस हमारा स्वागत नहीं किया है। और गाइस अबे फिर बच्चा आ गया मेरे बेड पे। अबे यार ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं यार बच्चे। गाइस तो मुझे गाइस देखना है कि मेरे जो विलेजर्स है वो सही सलामत है कि नहीं। मुझे बस अभी एक ही विलेजर दिखाई दे रहा है। ओके ये दूसरा विलेजर, अबे क्रीपर दिखाई दे गया, इसका गेम गाना पड़ेगा। ए ए मर 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 नीचा के फूट, मरा मरा मरा, अबे मरा नहीं। ओके गाइस नहीं मरा, मेरे गाइस विलेजर अभी ठीक ठाक जिंदा है। तो हम लोग अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। हम लोग थोड़े स्टोन्स निकाल लेते हैं यहाँ से, कमी पड़ेगी तो वापस ही नीचे जाके ले आएंगे। और बस स्टोन से रखेंगे, हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस ज्यादा ये स्टोन में बस अभी और भी पड़े हुए हैं थोड़े बहुत। बस अब शवल चाहिए, बस इतना ही सामान मेरे को चाहिए। और इन स्टोन्स को मेरे को कन्वर्ट करना है इन स्टोन्स में कन्वर्ट करने के लिए। अरे यार हाँ ये सही है, ये स्टोन्स में मैं कन्वर्ट कर दिया मैंने इनको, अब ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे ये स्टोन्स। क्या कर रहे हो तुम दोनों भाई? अबे तीन तीन लोग मेरे घर पे क्यों तुम लोग आ रहे हो भाई? ये घर नहीं कैसल है। ओके और चौथा भी आने की साजिश रख रहा है। ओके तो हम लोग यहाँ से अपना काम स्टार्ट करें। पहले थोड़ा पिलर थोड़ा ऊंचे कर लेते हैं गाइस, पिलर क्योंकि थोड़े अच्छे लगते हैं देखने में, इतने ऊंचे सही होने वाले हैं शायद। गाइस थोड़े थोड़े मैंने पिलर ऊंचे कर लिए है और ये वाली वॉल भी मैं ऊंची कर लेता हूँ। आज मैं कैसल का आउटर का पार्ट गाइस मैं पूरा कम्प्लीट कर दूंगा, डेकोरेशन वेकोरेशन का काम मैं बाद में कम्प्लीट कर दूंगा क्योंकि इसके लिए अभी थोड़े मैं बस रिसोर्सेज नहीं है। बच्चे देखो मेरे को काम करते करते खुश हो रहा है। ओके गाइस शायद इतना तो मेरे हिसाब से सही हो गया है। इतने स्टोन्स क्या मुझे थोड़ा और ऊंचा करना चाहिए, दो ब्लॉक्स मैं ऊंचा और कर देता हूँ। उसके लिए शायद गाइस मेरे पास स्टोन्स अभी बचे नहीं है, मुझे शायद और स्टोन्स माइनिंग करना पड़ेगा। यार बहुत झंझट है, पिलर्स तो गाइस बहुत ऊंचे जाएंगे तो उनको तो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, वॉल ही अपनी खड़ी करता हूँ। इतनी वॉल गाइस मेरे को सही लग रही, इतनी वॉल गाइस सही लग रही है मेरे को। एक एक ब्लॉक का मैं और बढ़ा देता हूँ तो शायद हो जाएगा। ये बच्चा क्या कर रहा है भाई मेरे घर पे आके मेरे को परेशान कर रहा है, हाँ हाँ कर रहा है बार बार, मूड खराब हो रहा है मेरा। तो गाइस खुशी की बात बताए क्या है, मेरे पास सारे ब्लॉक्स खत्म हो चुके हैं ठीक है। तो मुझे वापस यार ले जानी पड़ेगी पिकैक्स और मुझे शायद वापस यार थोड़े ब्लॉक्स माइन करने पड़ेंगे। तो मैं पिकैक्स क्राफ्ट करके चलो चलते हैं हम लोग लेने ब्लॉक पिकैक्स क्राफ्ट। एक पिकैक्स और क्राफ्ट कर देता हूँ, वो टूट जाएगी तो ठीक रहेगा। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ और मेरे पास अच्छे खासे स्टोन्स हो चुके हैं और मेरी एक पिकैक्स भी टूट गई थी। तो अब मेरे को क्या करना है, इन ब्लॉक्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपना फिर से काम पे। ओके गाइस बाउंड्रीज तो काम हो चुकी है, मैं क्या करता हूँ तो इनको भी उठा देता हूँ मैं। तो गाइस थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा गेट को मैंने चौड़ा कर दिया है, अब सही लग रहा है मेरे को। गेट भी थोड़ा गेट भी बड़ा होना चाहिए। हाँ भाई यहाँ से पूरा गाइस प्यारा सनसेट दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है गाइस, कितना काम किया है आज उन्होंने। तो इसकी ये खुशी के लिए भगवान ने एक सनसेट दिया है जो माइनक्राफ्ट वालों ने। हाँ तो गाइस अब हम लोग को गाइस इस प्लांट्स के हम लोग को ये डीप सेट बनाने हैं, ये स्लैब्स तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे लगाने पड़ेंगे। तब तक लिए झपकी मार नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग का देखते हैं कैसे करेंगे। पहले मैं पिलर्स को ऐसे ब्लॉक कर देता हूँ, हाँ ऐसे ऐसे स्क्वायर कर देता हूँ पिलर्स को। और यहाँ को यहाँ से मेरे को वहाँ पे जंप लगाना था, लग नहीं पाई जंप। तो अब हाँ फालतू से फालतू की चीजें नहीं करते है, काम पे लगते हैं। तो रात हो चुकी है गाइस, झपकी मार लेते हैं हम लोग बढ़िया सी। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हम लोग वापस से काम करना पड़ेगा। चलो भाई काम करेंगे तो एक हमारा कैसल बहुत सुंदर से तैयार हो जाएगा। तो गाइस पिलर्स भी लग चुके हैं और अब हम लोग को एक यहाँ पे एक और रूफ बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से रूफ भी बना लेते हैं। भाई जाए मेरा कितना अच्छा लग है, वापस से ब्लॉक्स खत्म हो गए यार, वापस से जाना पड़ेगा माइन करने के लिए। तो अब गाइस मैं बहुत थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, मैं बहुत ज्यादा ब्लॉक्स लाने वाला हूँ की बार, बहुत ज्यादा ब्लॉक्स लाने वाला हूँ।
ओके तो पिकैक्स बनानी। अबे यार यही पिकैक्स को तोड़ देगा, जितने ब्लॉक्स आ जाएंगे बस एक और पिकैक्स क्राफ्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैं फाइनली ले आया, अब वापस मेरे को इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इनको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्लैब्स में, इतने 60 स्लैब्स शायद सही हो गए, अगर नहीं होगे तो मेरे पास ऑलरेडी ब्लॉक्स है तो मैं इनको यूज कर लूंगा। अबे यार पिकैक्स टूट गया, यार ये थोड़ा गलत हो गया था, वैसे कोई बात नहीं। एक गाइस मैं वो बना ही लेता हूँ, क्या कहते हैं, एक स्टोन की पिकैक्स, और मेरे पास मुझे वो चाहिए होगा, थोड़े स्टिक्स चाहिए होंगे, और एक स्टोन की पिकैक्स बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो गलतियाँ हो रही है तो उसको करना ही पड़ेगा। चलो एक पिकैक्स तो बना ली मैंने, और थोड़े वो भी बना लेता हूँ बचे हुए से, क्या कहते हैं यार, हाँ स्टोन्स और स्लैब्स, बस इतने और काप इतने और लगेंगे बस, बाकी के मेरे को ब्लॉक्स की जरूरत है। ये बच्चा कौन क्या है भाई, कितना परेशान कर रहा है बच्चा मेरे को। तो गाइस फाइनली रूफ भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये कौन सा, हाँ तो ये भाई यार फाइनली रूफ भी कंप्लीट हो गई है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है यार। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी टॉर्चे लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो स्पॉन ना हो, और थोड़ी लैडर्स भी मेरे को बनानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर नीचे जाने के लिए मैं बाबा वाटर बकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अबे यार मेरे पास स्टिक्स है ही नहीं, सब खत्म हो गया मेरे पास। अरे यार उस डिब्बे में स्टिक्स रखी होगी पक्का, तो उस डब्बों से लेके आता हूँ। गाइस 12 स्टिक्स रखी हुई थी मेरी, तो 12 स्टिक्स से मेरे को थोड़े बहुत लैडर्स बनाने पड़ेंगे। अबे ये बच्चा बड़ा हो गया, ओह माय गॉड दैट्स सो खुशी की बात। तो इसको यार मैं जॉब दे देता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जॉब देनी आती है। आजा कहाँ भाग आ रहा है ना, जल्दी आ भाई जॉब ले ले, आजा। अबे जॉब नहीं, हाँ आजा आजा जल्दी जल्दी आजा जॉब ले ले, जा जा ये बढ़िया सामान देगा। तो गाइस मेरे को इसको यहाँ ही लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये बाय चांस अगर मुझे यहाँ पे तोड़ना फोड़ना पड़ गया तो मैं इसको ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पे जाके जॉब ले ले, जा बेटा। हाँ हाँ जा रहा, जल्दी जा, तेरे पास बेड भी है, तेरे पास सब है, जा। अब मुझे थोड़ी बहुत लैडर्स बनानी पड़ेगी, थोड़ी लैडर्स बना लेता हूँ मैं गाइस। 3 लैडर्स से गाइस काम चलाना पड़ेगा मेरे को थोड़ी देरों के लिए। अब मेरे को क्या करना है, इनको थोड़ा सा और बड़ा करना है, हाँ इनको थोड़ा सा और बड़ा करना है मेरे को। मेरे को स्टिक्स चाहिए होगी गाइस, मेरे को स्टिक्स चाहिए होगी, लैडर से काम नहीं बन रहा। देखो गाइस यहाँ से ऐसे मैं जाऊँगा और मेरे को यहाँ पे एक और लैडर लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ से मैं ऐसे यहाँ पर आऊँगा, बस इतना सही है, इतना लगभग मेरे हिसाब से इतना सही होने वाला है। थोड़ा सा और उठा देता हूँ, 2 इसको भी उठा देता हूँ। अरे भाई मेरे पास इतने सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं गाइस, इतने सारे नहीं, इतने सारे भी नहीं है, हट मुझे क्या लगा था क्या हो गया। इन स्लैब से भी अगर मैं बना सकता हूँ ऐसे करके, हाँ ऐसे इन स्लैब से भी बना सकता हूँ, इन स्लैब्स को यूज कर लेता हूँ मैं। अबे रात हो गई वापस से, चलो अपनी लैडर्स के थ्रू चलते हैं नीचे। अबे भाई कौन कौन सो रहा है मेरे बेड पे यार, जो कितना परेशान कर रहे हैं। तो गाइस अब हो चुका है मेरा, मुझे क्या, मुझे पता लग गया मुझे क्या करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐसे कर लिया है, अब मेरे को थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ऐसे 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 थोड़ा लाना पड़ेगा मेरे को। गाइस डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा मैं कौन कैसा डिज़ाइन बनाऊँ, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा मैं कैसा डिज़ाइन बनाऊँ गाइस। अरे गाइस मेरे को समझ आ गया मेरे को कैसे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से थोड़ा पानी उसमें नीचे रखता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक ब्लॉक रखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, अबे यार थोड़ा रुक जाओ, किसे क्या करना पड़ेगा, आउच चोट लगी मेरे को। मुझे यहाँ के जैसे 2 स्लैब्स हटाने पड़ेंगे, हाँ बहुत डिफिकल्ट है गाइस थोड़ा, ये मेरे को अभी समझ आई है, मैंने पहले से प्लान करके नहीं रखा हुआ था, मेरे को अभी भी ये आया है दिमाग में। तो गाइस बहुत मेहनत के बाद बस एक पिलर जाके बना है, ये थोड़ा ऐसे ही नॉर्मल सा बना हुआ है, बाकी का भी मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, पता नहीं है क्या ऐसे क्या बनाया है मैंने, मुझे खुद लिटरली सा बन नहीं आ रहा है। तो चारों तरफ मैं मुझे भी ये वापस से करना पड़ेगा, थोड़े बहुत स्लैब बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल ऐसा करता हूँ, ये ऊपर ले चलता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल ऐसे यहाँ रख देता हूँ और थोड़े बहुत स्लैब्स बना लेता हूँ इसके, मैंने कैसे क्या बनाया है वहाँ पे थोड़ा देखता हूँ। तो गाइस फाइनली बहुत समय बाद 3 चारों के 4 पिलर्स भाई तैयार हो गए यार, बहुत समय लगा मेरे को करने के लिए ये सब। अब मेरे को थोड़े बहुत वो सब भी लगाने पड़ेंगे, जैसे ब्रिक वॉल हो गया वो सब भी लगाने पड़ेंगे, अब उसके लिए मेरे को वॉल बनानी पड़ेगी। अबे यार हाँ तो उसके लिए स्टोन कटर वाला एक घर होता है वो नीचे है, तो मुझे स्टोन कटर चाहिए होगा,
ये स्टोन कटर वाला घर कहाँ पर है? अरे गरीब नहीं है, यही सामने तो है, यही है। हाँ 57 गाइस वॉल्स बनकर आई है, नहीं और शायद बन सकती है वॉल। हाँ हाँ 60 वॉल्स गाइस बन चुकी है। यहाँ से मेरे को पानी भी डालना पड़ेगा यार, ये पता नहीं मैंने कब पानी यहाँ पे डाल दिया था। थोड़ा यहाँ पर मेरे को ठीक करना पड़ेगा ऐसे थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पे वॉल्स भी लग चुकी है, शायद मुझे थोड़ा ऊपर भी वॉल्स लगानी पड़ेगी। बस सामने के दो पिलर्स में वॉल्स लगा देता हूँ, ऐसे 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 हाँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और लगाऊंगा। ओके गाइस अबे यार अब मेरे को यहाँ से निकलना धूप भर हो गया है। हाँ अब ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मैंने अपना घर अच्छे से थोड़ा बहुत कंप्लीट कर दिया, इनर साइड का आउटर साइड का, मतलब बाहर से देखो ये थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो बाहर से गाइस थोड़ा ये बहुत रेडी हो चुका है। अब डेकोरेशन का जो काम है वो मैं बाद में करूँगा, अब क्योंकि डेकोरेशन के लिए मेरे पास थोड़ा बहुत सामान भी नहीं है, तो सामान भी मैं ऑफलाइन जाके ले लूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर, गुड बाय।